विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों इस वक्त मौजूद हम खेरिया मोड़ बजाज कमेटी, ये देख रहे हैं मेरे पीछे अजीत नगर बजाज कमेटी के द्वारा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर दिन प्रतिदिन रोजाना सुबह ध्वज फहराया जाता है, देश का झंडा फहराया जाता है, तो शाम को 5 बजे उस झंडे को उतारा भी जाता है। आपको बता दें मेरा नाम हेमंत सिंह चाहर है, मैं जाट निवासी रहने वाला हूँ। आज मैं अजीत नगर खेरिया मोड़ चौराहे पर ध्वज झंडा फहराने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अजीत नगर में कमेटी द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम झंडा फहरा सकें। हमने यह झंडा फहराया है और सैनिटाइज मास्क वितरण करने का भी प्रोग्राम रखा है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपने आप में एक गौरव महसूस कर रहे हैं और यहाँ की जो जनता ने हमें इज्जत सम्मान जो दिया है उसके हम बहुत ही आभारी हैं। मैं गीतम सिंह यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारे इस जगह का नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा कि ये यहाँ पे रोजाना ध्वजारोहण होता है। और मैं अपने भाई हेमंत चार को भी बधाई देता हूँ कि आज इनको ध्वजारोहण करने का बहुत बेहतरीन मौका मिला। बड़े जोश के साथ ध्वजारोहण हुआ, बहुत सुंदर तरीके से राष्ट्रगान हुआ और भारत माता की जयकारे नारे लगाए। और मैं ग्रेट इंडिया संगठन की तरफ से आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र सिंह निवासी ककुआ, आज अजीत नगर खिरिया मोड़ चौड़ाए पे झंडा दोहराने का वो जो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ की कमेटी द्वारा हमें बहुत ही सम्मानित किया गया है, इसके लिए हमें बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। पूरी कहानी धन्यवाद। मैं इमरान अब्बास, अजीत नगर बाजार कमेटी व्यवस्थापक। सन 2018 26 जनवरी से हमारा कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जो कि प्रतिदिन ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया जाता है। शाम को 5:30 बजे ध्वज को उतारा जाता है पूरे सम्मान के साथ। और हमारे यहाँ प्रतिदिन रोज नए चीफ गेस्ट होते हैं, चाहे वो समाजसेवी हो, अधिकारी हो, चाहे वो एक गरीब आदमी हो। इस कार्यक्रम को हम रोजाना इसी तरह करते आ रहे हैं और हमारा प्रोग्राम जो है बढ़ते बढ़ते एक हमारा परिवार भी बड़ा होता चला जा रहा है। और इस कार्यक्रम को करते करते आज हमें आगरा की कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम भी दर्ज हो चुका है। और इसके लिए हम अपने मीडिया बंधुओं और मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद देते हैं, जो हमारे को इस कार्यक्रम को करते 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 और आगे हमारे इस कार्यक्रम को आगे पहुँचाने का काम करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत चाहर है और अकोला का निवासी हूँ और आज मैं यहाँ सेल्फी पॉइंट पर आया हूँ। और मुझे जो फीलिंग हुई है वो ये फीलिंग हुई है कि देश के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। अपने देश के लिए प्राण भी देने की बारी आ जाए तो प्राण भी दे सकता हूँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊँचा रहे हमारा। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह चाहर, नैना जाट आगरा से। सबसे पहले अजीत नगर कमेटी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि इस तरह का एक भव्य प्रोग्राम करने के लिए उनके दिमाग में इस तरह की बात आई, जो सोच आई, जो सभी के प्रति एक कमेटी के लिए, आगरा के लिए और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा वो जाएगा, संदेश जाएगा और जाना भी चाहिए कि भारत देश के लिए, इस तिरंगे के लिए जो भी जान कुर्बान उन्होंने की है उसका एक रूपरेखा बना के यहाँ पर अजीत नगर कमेटी जो तैयार की है और हम सब लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है तिरंगे के नीचे हमें झुकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोड़ चौराहे पर और ये खेरिया मोड़ पर जो सेल्फी पॉइंट है, साथियों मुझे भी एक दिन यहाँ पर झंडारोपण करने का मौका मिला और आज हमारे सहयोगी मित्र चार साहब को ये करने का मौका मिला है। और इससे दोस्तों यकीनन जब हम झंडारोपण करते हैं तो एक बहुत ही अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और हिंदुस्तान में दोस्तों आज की डेट में आज 1490वां दिन है, ये लगातार बरसात हो, गर्मी हो, चाहे खेरिया मोड़ पर पानी भर जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन ये झंडारोपण हमेशा अपने समय पर होता है और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों ये खेरिया मोड़ की बाजार कमेटी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो इसको लगातार लागू कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपको भी कभी मौका मिले झंडारोपण करने का तो ज़रूर उसमें भाग लें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय भारत माता की। जय जय जवान, जय किसान।
मेरा नाम मनोज कुमार नोतनानी है, महामंत्री अजीत नगर बाजार कमेटी। 2018 से हम नियमित झंडारोहण करते चले आ रहे हैं। इस संस्था ने, इस बाजार कमेटी ने सभी संस्थाओं का आग्रह किया और जितने भी सोशल वर्क करते हैं उन लोगों को, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को व क्षेत्रीय जनता को यहाँ बुलाकर झंडारोहण करवाया है। ये झंडारोहण नियमित रूप से चलता आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश प्रेमियों को, देशवासियों को ये निमंत्रण देता हूँ, वो सेल्फी पॉइंट पर आए, झंडारोहण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। पवन खंडेलवाल नाम है मेरा और ये यहाँ जो सेल्फी पॉइंट पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है विगत 1490 दिन से चल रहा है और सबसे अच्छी इस कार्यक्रम की खूबसूरती ये है कि 1490 दिन में अनवरत कंटिन्यू चल रहा है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कैसा भी मौसम रहे, ठीक राइट टाइम 10 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण होता है। और मैं यहाँ की बाजार कमेटी जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाजार कमेटी के अगर कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो बाजार कमेटी को इस कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है, 1500वां बार लिम्का में नाम दर्ज होने जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी ऊंचाइयां छूते जा रहा है, दिल की हार्दिक बधाइयां मैं देना चाहूँगा। आज इस मौके पर जीवन धारा समिति के द्वारा सैनिटाइजर एवं मास्क वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में हमारे मित्र हेमंत सिंह चाहर मौजूद रहे और उन्होंने ध्वजारोहण करके आज ये 52 सेकंड में अपने आप को शायद गौरवान्वित महसूस किया होगा और हम सब ने भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हम भी गौरव को महसूस करते हैं। धन्यवाद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों इस वक्त मौजूद हम खेरिया मोड़ बजाज कमेटी, ये देख रहे हैं मेरे पीछे अजीत नगर बजाज कमेटी के द्वारा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर दिन प्रतिदिन रोजाना सुबह ध्वज फहराया जाता है, देश का झंडा फहराया जाता है, तो शाम को 5 बजे उस झंडे को उतारा भी जाता है। आपको बता दें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के साथ यहाँ 52 सेकंड का प्रतिदिन 10 बजे राष्ट्रगान भी होता है। राष्ट्रगान के समय पर यहाँ पूरी सड़क एकदम जाम हो जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 26 जनवरी 2018 से यह यहाँ कारवा शुरू हुआ था और यह कारवा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना यहाँ ध्वजारोहण किया जाता है, इसके साथ साथ राष्ट्रगान भी होता है। और आज के मुख्य अतिथि रहे हैं यहाँ हेमंत सिंह चाहर। यहाँ रोजाना नित्य प्रतिदिन नए मुख्य अतिथि के साथ ध्वजारोहण होता है। नीरज ठेनवा के साथ साथ यहाँ उनके साथ कई लोग मौजूद हैं, गीतम सिंह है और भी लोग मौजूद हैं, जो सभी लोगों ने यहाँ ध्वजारोहण किया है और क्षेत्र की जनता में एक संदेश दिया है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।